कोरोना संक्रमण से फिर गई एक जान, जिले में अब तक 39 संक्रमित की हो चुकी है मौत, आज मिले 9 पॉजिटिव। जिले के 98% से अधिक दिव्यांगों को नहीं लगेगा बसों में 50% से अधिक किराया, जनरेट हुई यूडीआईडी। पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी को मिली जमानत, एसडीएम को काले पोतने के मामले में थे बंद। क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट कंपनी ने अपने इंजीनियरों को नहीं दिया 5 माह से वेतन, शिकायत करने पर काम से हटाया। और दमुआ पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का किया क्या स्वागत। नमस्कार, चंद्रवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के कारण फिर एक जान चली गई है, जिसके बाद अब तक कुल 39 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि देर रात कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक की मौत दर्ज हुई है। मंगलवार को 9 संक्रमित मिलने के बाद कुल 2132 पॉजिटिव दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 1997 ठीक हो गए हैं और 96 सक्रिय पॉजिटिव आइसोलेशन में भर्ती हैं। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है, जिसमें दिव्यांग बच्चों के द्वारा जिले में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस साल कोरोना के कारण जिले में कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। जिला पंचायत अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुशील गुप्ता ने बताया कि दिव्यांगों के लिए चलने वाली योजनाओं में कोई कमी नहीं बरती जा रही है। जिले के 25,289 दिव्यांगों में से 24,941 दिव्यांगों की यूनिक आईडी यूडीआईडी जनरेट की जा चुकी है, जिसके माध्यम से बसों में 50% छूट के साथ सफर करने के साथ अलग अलग योजनाओं में लाखों रुपए की सहायता योजनाएं दी जा चुकी हैं। एसडीएम के मुंह पर कालिक पोतने के मामले में 22 लोगों सहित आरोपी बनाए गए चौरे क्षेत्र के पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी आज जिला जेल से मुक्त हुए। उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली, जमानत के आदेश होते ही उनके समर्थकों द्वारा जिला जेल के सामने से ही उनका भव्य स्वागत किया गया। मंगल राज जैसा चलाया कि इन्होंने डायरीज पेश नहीं करी, राज्य शासन ने रिपोर्ट नहीं दी पिछली 3 पेशी से, अक्टूबर नवंबर और ये 1 दिसंबर हो रहा है, जब शासन ने इनको 50,000 रुपये जुर्माना लगाया कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने, जब शासन के ऊपर, जब ये आज डायरी और ये पेश की और आज अग्रिम जमानत के आदेश हुए। पिछले 2 महीने से वही भाजपा के लोग एक बात नहीं बोल पा रहे हैं कि आप समर्थन मूल्य पे खरीदी क्यों नहीं कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी पीआईयू के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का सुपरविजन करने वाली कंपनी पिपले कंसल्टेंट ने अपनी कंपनी में काम करने वाले दर्जन भर से अधिक सिविल इंजीनियरों का वेतन का भुगतान पिछले 5-6 महीने से नहीं किया है, जिसकी शिकायत जनसुनवाई के दौरान एडीएम रानी बाटट से की गई। मैं पिपले कंसल्टेंट में क्वालिटी कंट्रोल और सुपरविजन के काम करता था, जिसमें मैं पिछले जुलाई 2019 से काम करता था और मेरा पेमेंट पिछले 6 से 7 महीने का नहीं दिया गया है और मेरे साथ में 15-17 लोगों का स्टाफ भी है जिनका भुगतान नहीं किया गया है। क्यों नहीं दिए, क्या क्या कारण बताते हैं? पेमेंट नहीं है बताते हैं, डिपार्टमेंट से पेमेंट नहीं मिला बोलते हैं, जबकि डिपार्टमेंट से इनको 85-90 लाख रुपए का पेमेंट मिल चुका है और फिर भी ये लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं। नगर मंडल दमुआ के तत्वाधान में कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का स्वागत दीनदयाल चौक पर गाजे बाजे आतिशबाजी कर माला पहनाकर किया गया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष मोनू साहू, पूर्व विधायक हरिशंकर उइके, सुनील मालवीय, मोहन पाल, यशवंत पवार, मनोज भौरे, दीनू साहू, संतोष वरगड़े, योगेश साहू, सतीश शिवहरे आदि कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लोधीखेड़ा अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए क्षेत्र के युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उपस्थित युवा अबूजर खान, शुभम कोरेमोर, सूरज सेंडे ने बताया कि अस्पताल जर्जर हालत में है, योग्य चिकित्सक और एम्बुलेंस की कमी बनी हुई है, यदि व्यवस्थाएं नहीं सुधारी गई तो युवा धरना प्रदर्शन के बाद भूख हड़ताल करेंगे। मोखेड़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत गोविंदवाड़ी माल में शासकीय प्राथमिक शाला के पास सरकारी हैंडपंप लगा करीब 2 महीने से बहुत गंदा पानी निकल रहा है, जो पीने लायक नहीं है, परंतु मजबूरी में लोगों को वही गंदा पानी पीना पड़ रहा है। शिकायत के बावजूद इस ओर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं गया। जिले के 4 शिक्षकों को राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सम्मानित किया गया। प्रधान पाठक के मिश्रा, बीएससी अरविंद भट्ट, जन शिक्षक कुलदीप मुखलगाय और बीपी जिलवेकर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सम्मानित किए गए। डीपीसी जीएल साहू ने बताया कि प्रदेश के 68 प्रशस्ति पत्रों में से 4 छिंदवाड़ा जिले के शिक्षकों को हमारा घर हमारा विद्यालय, डिजी लैब, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी और मोहल्ला क्लास के माध्यम से पढ़ाई करवाने के कारण मिले हैं, जिसमें जहां मोबाइल टीवी नहीं थे वहां लाउड स्पीकर से भी पढ़ाई करवाई गई। पुरस्कृत सभी शिक्षकों को जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश और शिक्षा केंद्र की टीम के द्वारा बधाई दी गई। छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। स्टेटस फर्नीचर हाउस ऑफ क्वालिटी, जहां आपको मिलेगा बेडरूम सेट, सोफा, डाइनिंग टेबल,
ऑफिस फर्नीचर के साथ ही बेस्ट क्वालिटी के फर्नीचर की विशाल रेंज, वो भी कम दामों में। साथ ही आपको मिलेगी फर्नीचर पर 3 साल से लेकर 10 साल तक की वारंटी। प्रदेश की सबसे आधुनिक मशीनों, अनुभवी और प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा बना फर्नीचर जो देगा आपके घर और ऑफिस को मॉडर्न लुक। छिंदवाड़ा का सबसे विश्वसनीय और विशाल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे मॉडर्न डिजाइन के क्वालिटी फर्नीचर। दीपावली के शुभ अवसर पर पाएं आकर्षक गिफ्ट वाउचर्स, आसान फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें स्टेटस फर्नीचर LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। कॉन्टेक्ट नंबर 07162222622 और 7049912202, 7049912203। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो नारदे वार्ड क्रमांक 18 में 150 मीटर सीसी रोड का आज भूमि पूजन पालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू और वार्ड पार्षद सोनिया कुमरी की उपस्थिति में किया गया। उपयंत्री देवेंद्र डहरिया ने बताया कि मेन रोड से मधुकर खदीपुरे के घर पर लगभग 6,38,000 रुपए की लागत से 150 मीटर सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर रामेश साहू, गयाबाई, नीरू खदीपुरे, रहमत अली, ठेकेदार आभाष पाठक, कंस्ट्रक्शन सहित वार्डवासी उपस्थित थे। मंगलवार को नवागत खनिज निरीक्षक महेश नकपुरे के द्वारा तहसील अमरवाड़ा अंतर्गत क्षेत्रों का औचक निरीक्षण, खनिज गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए 4 वाहन जब्त किए गए। जांच के दौरान एक बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉली खनिज गिट्टी, एक ट्रैक्टर खनिज गिट्टी बिना अभिवहन पास के और 2 डंपर में खनिज गिट्टी का ओवरलोड होकर अवैध परिवहन किया जाना पाया गया। उक्त 4 वाहनों को खनिज नियमों के अंतर्गत जब्त कर थाना परिसर अमरवाड़ा की अभिरक्षा में खड़ा किया गया है। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला और सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष BS भदौरिया के निर्देशन में जिला जेल छिंदवाड़ा में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार गोयल ने बताया कि एड्स की बीमारी, संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग की गई सीरिंज, संक्रमित महिला से उत्पन्न शिशु, संक्रमित व्यक्ति का रक्त चढ़ाने से होती है जिसमें वायरस के कारण व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इस दौरान जिला जेल में निरुद्ध 2 एड्स पीड़ित बंदियों से उनका हालचाल भी लिया गया। जनसुनवाई में अतिरिक्त कलेक्टर रानी बाटट को जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए 112 आवेदन प्रस्तुत किए, जिसमें मुख्य रूप से आवासीय पट्टा, सीमांकन, नामांतरण, स्मार्टफोन दिलाने, BPL कार्ड बनवाने, 7वें वेतनमान और क्रमोन्नति का लाभ दिलाने, संबल योजना के अंतर्गत सहायता राशि, अनुकंपा नियुक्ति, बंटवारे के कुएं से पानी दिलाने, प्रसूति सहायता राशि, डिपो से पौधों की ढुलाई की राशि दिलाने आदि से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए। कांग्रेस पार्षद दल और कांग्रेस सेवा दल के संयुक्त तत्वाधान में नोनिया करबल और खजरी की जनता ने भी बेचे गए PM आवास अंतर्गत 94 भूखंडों की नीलामी निरस्त किए जाने की मांग निगम आयुक्त हिमांशु सिंह को दिए ज्ञापन के माध्यम से की है। बताया जा रहा है कि उक्त भूमियों में खेलकूद, कुश्ती, मड़ई मेले का आयोजन किया जाता रहा जिसमें PM आवास योजना अंतर्गत गरीबों को दिया जाना था, उसे शहर के धनाढ़ियों को बेच दी गई। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष असगर अली वासु, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष सुरेश कपाले सहित काफी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। आवास देने का पात्र सिर्फ गरीब, आवासहीन और गरीबों को ही है, लेकिन भूखंड जो बेचे गए हैं वो बड़े बड़े लोगों को दे दिए गए हैं शहर के। तो क्षेत्रवासियों के सामाजिक धार्मिक आयोजन उस क्षेत्र में होते हैं, तो क्षेत्र वालों की मांग पे आज हम सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, जिसमें सेवा दल के प्रमुख सुरेश कपाले जी एवं क्षेत्रवासी सभी और खजरी वाले और नोनिया वाले सभी लोगों के साथ हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है और उनसे कहा कि नीलामी को रद्द की जाए, जो बेचा गया भूखंड उसको रद्द करें। रेलवे कुकड़ा निवासी अशफाक खान को झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ नगरी निकाय क्षेत्र छिंदवाड़ा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फिरोज खान ने बताया कि PCC अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर सांसद नकुलनाथ की सहमति और जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी की अनुशंसा पर अशफाक खान को मनोनीत किया गया। माननीय नकुलनाथ जी और माननीय कमलनाथ जी विशेष रूप से खेलों में रुचि लेते हैं और जो नवयुवक खेल से जुड़े हैं उनकी गतिविधियों को संचालित करने की सहायता भी करते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ क्रिकेट स्टेडियम जो है माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से बनवाया गया है और उसमें टर्फ लगाई गई है, घास लगाई गई है और एक उन्नत किस्म का क्रिकेट मैदान बनाया गया है। पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि के विरोध में आज नोनिया करबल परासिया रोड में कांग्रेस सेवा दल और नगर कांग्रेस कमेटी नोनिया करबल के संयुक्त तत्वाधान में केंद्र और प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। सरकार से पेट्रोल डीजल के बढ़ाए गए मूल्य को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की गई। लगातार डीजलों के, पेट्रोलों के मूल्य बढ़ रहे हैं, साथ साथ में खाद्य सामग्रियों के मूल्य बढ़ रहे हैं। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार मिलकर आम आदमी को शोषण करने का काम कर रही है। हमारा नगर कांग्रेस कमेटी नोनिया करबल की ओर से आज का विरोध था और यही विरोध था कि केंद्र सरकार जो डीजलों के और पेट्रोलों के और खाद्य पदार्थों के जो दाम बढ़ाए हैं उनको तत्काल वापस।
पूरे विश्व में अगर सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल कहीं बिक रहा है तो वो हमारे देश में बिक रहा है। हम सरकार से आपकी चैनल के माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि तत्काल जो लगाया गया बढ़ा हुआ टैक्स है वो वापस ले और आम जनता को राहत पहुंचाए ताकि आम जनता अपना जीवन यापन तरीके से कर सके। 8 माह बाद विद्यालय में फिर से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के पुराने अतिथि शिक्षक दिखाई देंगे। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश ने आदेश जारी कर दिए हैं। अतिथि शिक्षक संघ छिंदवाड़ा जिलाध्यक्ष संतोष कहार ने बताया कि 8 माह से बेरोजगार बैठे पुराने अतिथि शिक्षकों को उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। उक्त आदेश होने के बाद प्रदेश सहित जिले के अतिथि शिक्षक और शिक्षिकाओं में हर्ष व्याप्त है। जो कि 9 से 12 तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं, तो इस संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन की ओर से लोक शिक्षण संचालनालय से एक आदेश जारी हुआ है जिसमें अतिथि शिक्षकों को 8 माह बाद पुनः हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में लौटने का मौका मिला है। तो कुछ आशा और उम्मीद की किरण एक बार पुनः हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहनों में जागृत हुई है और हमें आशा है कि आगे भी सरकार हमारे पक्ष में उचित कदम उठाएगी। और गुरु नानक जयंती के अवसर पर वाल्मीकि गुरुद्वारे में प्रकाश पर्व मनाया गया। गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा के साथ समाज के कई वरिष्ठ लोगों का शाल और श्रीफल से सम्मान किया गया। वो लोग भी सहभागी हैं लंगर की सेवा में और कई लोग अपने जीवन में यहाँ पर रोज सेवा देते हैं, सेवादार लोग, उनकी भी बहुत बड़ी सेवा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।